एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। नालंदा में लॉकडाउन का आज रविवार को दूसरा दिन है। आज भी सड़कों पर वही नजारा दिखा जो लॉकडाउन के पहले दिन बिहार शरीफ शहर में दिखा था। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा शहर के एंट्री पॉइंट पर वायर कटिंग कर चेक पॉइंट लगाए गए हैं ताकि अनाधिकृत वाहनों को रोका जा सके, मगर वह दिखावा साबित हो रहा है। चेक पॉइंट पर न तो पुलिस कर्मी तैनात है और न ही कोई अधिकारी। ऐसे में आज फिर लॉकडाउन में शहर की सड़कों पर बेरोक टोक सरपट गाड़ियां दौड़ती रही, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। हम आपको बता दें कि नालंदा में कोरोना का आंकड़ा 400 से पार कर चुका है, बावजूद इसके लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान परिवेश में उसी तरह का लॉकडाउन होना चाहिए था जो लॉकडाउन फेस 1 में हुआ था। अगर सख्ती नहीं बरती गई तो इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बताइए, बिहार शरीफ में लॉकडाउन का कोई असर नहीं है, जितना किया जा रहा है सिर्फ दिखावा है। जहां तहां ब्रैकेटिंग भी किया गया है, लेकिन ब्रैकेटिंग के अनुसार से गाड़ी इधर से उधर आदमी आ जा रहा है, इधर ब्रैकेटिंग झुका के इधर करके आदमी निकल ही रहा है। प्लस खाली आता है, एक घंटा आधा घंटा चेक किया, उसके बाद चला गया। कोई फायदा नहीं मिल रहा। लॉकडाउन का मतलब जो शुरू में लॉकडाउन 2 हफ्ता लगा था, वो लॉकडाउन चाहिए पब्लिक को। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या बताना चाहेंगे? लॉकडाउन आंशिक असर है, शहर में बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं, ना कोई पदाधिकारी वहाँ पे है, और गाड़ी एंट्री कर रही चल रही है, हर तरह की गाड़ी आ जा रही है। ऐसा तो नहीं लगता कि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर है, और ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए ताकि घर में जब तक लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, घर से निकलना स्टार्ट गाड़ी चलते रहेगा तो रोग जा कर के भागेगा नहीं, घर में रहेंगे तभी कोरोना भागेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। उसमें मार्केटिंग किया गया, क्या उसका फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, आदमी पब्लिक तो चल ही रहा है और गाड़ियां भी चल रही है, लॉकडाउन का असर तो नज़र ही नहीं आ रहा मुझको, समझा कि नहीं। जबकि इस पर पूरा प्रशासन का भारवा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव देना चाहिए, लॉकडाउन सही तरीके से होना चाहिए, पब्लिक नहीं चले घर में रहे तब इसका लॉकडाउन का फ़ायदा हो सकता है, और ये मर्ज जो बढ़ रही है बीमारियाँ, इसमें रुकावट किया जा सकता है। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर खान है।